नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की थाली में मैंने बनाया था नेनुआ और परवल का भुजिया, रायता और दाल था, तो आज उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। और मेरे पापा आए हुए हैं ना दो दिन के लिए, तो उनको तो ज़्यादातर हरी सब्जियाँ ही खानी हैं, तो वही सब बना रही हूँ अभी। तेल मसाले तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, मतलब तला हुआ चीज़ तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, हरी सब्जियाँ ही खाते हैं। तो नेनुआ तो बस ऐसे ही हल्दी नमक डाल के मैंने बनाया था, और सिर्फ परवल को फ्राई कर दिया था, जिसको हम लोग परवल भुजिया बोलते हैं हमारे यहाँ, या कोई भी जो फ्राई करके बनाते हैं उसको तो भुजिया ही बोलते हैं हम लोग। एक तरफ भुजिया बिठा दिया और एक तरफ नेनुआ बना रही हूँ, दोनों साथ साथ हो जाएगा। वो पूरे दिन तो मतलब जो भी खाते हैं हल्का फुल्का वही सब बना बना के उनको खिलाती रहती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह यही खाते हैं, और वही सब बनाती हूँ जिसमें तेल मसाले कम हो। एज तो बहुत हो गया है लेकिन अभी भी बहुत अच्छी हेल्थ है उनकी, पापा की, भगवान करे और अच्छी हेल्थ रहे, लंबी और उनकी आयु हो। माँ बाप लाइफ के लिए कितने बड़े सपोर्ट होते हैं ना, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो इधर तो सब्जी दोनों तरफ बिठा दिया और चावल भी साथ में बिठा दिया है। गपशप करने में लेट हो जाता है, तो खाना भी मैंने लेट ही बनाना शुरू किया था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी दोनों सब्जी एक साथ और चावल भी एक साथ बिठा दिए। तीन फ्लेम का चूल्हा होने से यही होता है कि जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरे बेटे की छुट्टी आज 11 बजे ही हो गई थी, तो वो भी आ गया बहुत जल्दी ही। बहुत खुश था कि चलो नाना जी हैं तो मुझे नाना जी के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा खेलने के लिए। और उनके लिए फिर रायता बनाया मैंने, वो तड़के वाली रायता। रायता की रेसिपी तो मैंने पहले भी दी हुई है आप लोगों को। तो खीरा भी डाला था मैंने, और जो बूंदी बनाया था मैंने वो भी बची हुई थी, तो बूंदी भी डाल दिया था, दोनों एक साथ डाल के ही बना दिया था। और चिली फ्लेक्स डाला है, और दही बड़ा मसाला और काला नमक डाला है मैंने, और तड़का दिया है मैंने जीरा का। मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाला है ज़्यादा, पापा मेरे खाते नहीं हैं तो इसीलिए थोड़ा कम ही डाला है। चिली फ्लेक्स डाल दिया है थोड़ा सा टेस्ट के लिए। तो यही थी आज की थाली, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और मेरे भैया का ना पार्सल आया है, राखी भेजा था मैंने, तो वो उधर से ना पार्सल एक ऑर्डर कर दिए थे, तो वही पार्सल आया था। देखिए ये मतलब कुर्ता सेट है, ये ऊपर नीचे दोनों है, तो मैंने तो नीचे नहीं पहना हुआ है पैंट, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है आजकल, जो पैंट टाइप की जो चला हुआ है ना मुझे पसंद ही नहीं आता है। तो इसके साथ तो मैं ये ऑरेंज कलर का लेगिंग ही पहनूंगी, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो ये वैसे अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो बताइएगा, मैं लिंक जरूर दे दूंगी, कॉमेंट करके बताइएगा आप लोग। बहुत अच्छी क्वालिटी है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने। अभी मार्केट से आइए और समोसा लेकर आइए और बनी को देखिए, समोसा लवर। मम्मी को चलने नहीं दे रही थी बनी, उसको समोसे की स्मेल आ गई थी झोले में से। ये देखिए, ये जब तक मम्मी खाती रहेगी तब तक ये मांगती रहेगी। देखिए वो देखिए, अरे 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 अरे